तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 4 - 3i, ये है क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में फाइंड करना है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ रिक्वायर्ड कंडीशन होती है जिसको हमें सीखना पहले जरूरी है। जैसे हमने कहा कोई जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट वो फाइंड करने के लिए कहता है। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आई। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा उसमें एक रियल पार्ट होगा एक इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है ना। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है उस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। यदि इमेजिनरी पार्ट मतलब आई वाला टर्म, रियल कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट दोनों के रियल पार्ट सेम होते हैं, उनका साइन सेम होता है। बट जो कॉन्जुगेट होता है जो आई वाला टर्म होता है तो वो आई वाले टर्म का साइन चेंज हो जाता है। जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कॉन्जुगेट हमें फाइंड करना है z बार, तो रियल जैसा वैसा रहेगा, जो इमेजिनरी है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। जैसे हमने लिखा z इक्वल टू 1 - 2i, तो z बार कितना होगा 1 का 1 + 2i, या z इक्वल टू हमने लिख दिया 3 + 4i, तो z बार क्या होगा 3 - 4i। और भी देखिए, हमने z लिख दिया 5, तो इसमें तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो z बार कितना आएगा रियल का रियल, क्योंकि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसके कॉन्जुगेट दोनों का रियल पार्ट सेम होता है। तो z यदि 5 है, इसमें i वाला टर्म नहीं है, तो z बार भी आपका 5 ही रहेगा। z इक्वल टू हमने लिख दिया 5i, तो जेड बार क्या होगा माइनस, इस तरीके से समझ में आती है ना। और भी देखिए क्वेश्चन, आगे देखिए करते क्या क्वेश्चन रहने दीजिए। इसको देखो, जैसे हमारे पास 4 - 3i, तो हमने जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का जेड बार फाइंड करना सीख लिया एक्स माइनस। अब रिक्वायरमेंट होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कैसे फाइंड करते हैं, मॉड और जेड क्या होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई गिवन है, तो मॉड ऑफ जेड फाइंड करने का फॉर्मूला, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड ऑफ जेड कैसे फाइंड करते हैं, रूट ओवर जेड का मॉड रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मॉड निकालना है, जैसे जेड इक्वल टू हमने लिख दिया 1 + 2i, तो मॉड ऑफ जेड क्या होगा रूट ओवर 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया रूट ओवर 5। समझ में आ गया, इस तरीके से हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकाल। फाइनली हमें जो क्वेश्चन 11 गिवन है उसमें फाइंड क्या करना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो जेड इनवर्स जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो जेड इनवर्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहलाता है। तो जेड इनवर्स इक्वल टू जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला
इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करने का। अब हमें एक क्वेश्चन दिया है, तो जेड इक्वल टू 4 - 3i, तो सबसे पहला काम क्या है, जेड बार फाइंड करो। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जेड बार मतलब कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं, जो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो 4 + 3i। और दूसरी कंडीशन हमें मॉड ऑफ जेड का रिक्वायरमेंट होता है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालना है, तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू रूट ओवर रियल का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो रियल का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर 9, तो कितना आएगा, रूट ओवर 25 इक्वल टू 5। अब हमें जेड बार मिल गया, मॉड ऑफ जेड मिल गया, तो जेड इनवर्स क्या होगा, तो जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड, जेड बार कितना है 4 + 3i, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर 4 + 3i, और मॉड ऑफ जेड कितना निकाला 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 4 + 3i / 25। अब इसे 25 को सेपरेट कर दो, तो क्या आएगा 4 / 25 + 3 / 25 i। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई आंसर हम लाते हैं तो उस आंसर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है a + ib। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में आंसर आता है तो उसे a + ib के फॉर्मेट में हमें लिखना है। और भी देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। समझ में आ गया, इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। √5 + 3i, तो इसका भी हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए किसका रिक्वायरमेंट होता है, जेड बार और मॉड ऑफ जेड, तो इसका जेड बार निकालिए, तो इसको जेड के इक्वल ले लो, तो जेड बार इक्वल टू √5 - 3i, और मॉड ऑफ जेड क्या होगा, रूट ओवर रियल का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू √14, तो ये हो गया इसका मॉड। अब फाइंड करना है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो जेड इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, तो जेड बार कितना निकाला हमने, √5 - 3i अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ जेड कितना है √14, तो √14 का स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना आएगा √5 - 3i / 14, ये हो गया इसका आंसर। इसका लास्ट क्वेश्चन है 13 वाला, 13 में है -i का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना, तो कैसे करेंगे, इसमें रियल पार्ट तो दिख ही नहीं रहा है, तो रियल पार्ट को हम 0 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, -i, क्वेश्चन नंबर 13 -i, तो -i इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो इसको 0 ले, इसको जेड की, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए जेड बार और मॉड ऑफ जेड का रिक्वायरमेंट है, तो इसका जेड बार निकालो, तो जेड बार कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट जैसा होता है वैसा और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते, ठीक है। अब मॉड ऑफ जेड, तो मॉड ऑफ जेड कैसे निकालते हैं, रूट ओवर रियल का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, 0 का 0, 1 का स्क्वायर 1, तो √1 आता है, √1 की वैल्यू 5। और हमें जेड इनवर्स फाइंड करना है, तो जेड इनवर्स इक्वल टू
जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। जेड बार कितना होगा, जेड बार जीरो प्लस आई अपॉन वन का स्क्वायर कितना आ गया, आई। समझ में आ गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। जो लास्ट क्वेश्चन है उसे सिंप्लीफाई करके ए प्लस आई बी के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। 3 प्लस आई रूट 5 और 3 माइनस आई रूट 5 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 आई और माइनस रूट 3 माइनस आई रूट। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जो ऊपर वाले जो भी हमारे पास फॉर्मेट है उसका मल्टीप्लाई करो। तो इधर तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इधर आएगा 3 का स्क्वायर माइनस आई रूट 5 का होल पावर 2 अपॉन में इधर आएगा रूट 3 प्लस रूट 2 आई माइनस रूट 3 और प्लस आई रूट 2। तो ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर 3 का स्क्वायर 9 माइनस इधर आएगा आई स्क्वायर और रूट 5 मीन्स इंटू 5 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में रूट 2 प्लस रूट 2 2 रूट 2, तो इधर आएगा 9 आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 तो प्लस 5 हो जाएगा 2 रूट 2 आई। अब इधर आ जाएगा 14 अपॉन 2 रूट 2 आई, इससे कैंसिल कर दो 7, तो ये आ जाएगा 7 अपॉन रूट 2 आई। अब इसका रेशनलाइज करते हो, रेशनलाइज कैसे करेंगे, रूट 2 आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, रूट 2 आई 7 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 आई अपॉन रूट 2 आई, हो जाएगा 7 रूट 2 आई अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 कितना आ जाएगा 2 आई स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो ये हो जाएगा 7 रूट 2 आई अपॉन माइनस का 2, तो सिर्फ 0 प्लस माइनस 7 रूट 2 अपॉन 2 आई हो गया ये प्लस आई बी का फॉर्म। समझ में आ गया ना, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब 5.1 एक्सरसाइज के हम लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एक बार 5.1 के सारे क्वेश्चन आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी आगे की चीजें सीखेंगे, जैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे फाइंड किया जाता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये सारी चीजें इसकी नेक्स्ट क्लास में होंगी। तो उस नेक्स्ट क्लास में हम इसकी सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है ना।